एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम पहुंचे हैं करछम और मैंने रामपुर से लेकर ब्लॉग नहीं बनाया, ये बहुत दुखी बात है। जनता माफ नहीं करेगी। अभी मैंने ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया रामपुर से क्योंकि हम एक तो लेट हो चुके थे और ऊपर से हमारे को बस जल्दी मिल गई। जल्दी तो क्या, हम बस स्टैंड ही लेट गए थे और बस मिल गई वैसे ही जैसे हम पहुँचे। फिर बस में बहुत ज़्यादा रश था इसलिए मैंने फिर ब्लॉग नहीं बनाया, इसलिए मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ। देखो ये दोनों आगे चल रहे हैं और हमारी दुख की बात, सबसे बड़ी दुख की बात ये है मेरे गांव में मामू के गांव को बस नहीं जाती है और हमारे को गाड़ियाँ बिल्कुल नहीं मिल रही। इसमें जा रही हूँ, देख सकते हो आप, ये मुझे मिल जाएगी सापनी। यहाँ देखो, चलो भाई ये दोनों वाला इसमें जाएंगे। देखो अच्छा, किसी को पूछने जा रहे हैं ये। इसलिए ये पूछ रहे हैं कि गाड़ियाँ है कोई, आप ही बता रहे हैं कि गाड़ियाँ सारी चलेगी, अब कोई गाड़ियाँ मिलना मुश्किल है। तो दोस्तों क्या करें, हम यहीं रहे हैं आज। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। ये हमारे साथ आए हैं, इनको शर्म आ रही है कैमरे में आते हुए, और दूसरा प्राणी तीसरा मैं भी हूँ। बहुत दुख की बात, मैंने नीचे से लेकर ब्लॉग नहीं बनाया। कोई बात नहीं गाइस, देखो इन्हें, और मैं अभी सामान लेने भेज रही हूँ, मेरे को शर्म नहीं है इनको। देखो प्यारा इंसान, प्यारा इंसान। दीदी वाह दीदी, नहीं नहीं, चलो चलते हैं शॉप की ओर, सामान सामान लेते हैं थोड़ा बहुत, और रुक लेने अपने लिए खाने के लिए। मैं बेचारी भूखी आई हूँ, बताया आपको क्या नहीं बोला तूने, नहीं पहले क्या बोला, चल चल चलो। तो हमारे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, हमने रात कुछ खाना खा के नहीं आए थे, तो हम यहाँ पर चाउमीन खा रहे हैं, चाउमीन मोमो थुप्पा कुछ भी खाएंगे। और दीदी गए हैं ऑर्डर करने, अभी हम बैठे हैं यहाँ पर। देखो अगर आप कभी करछम आए तो यहाँ पर आना, यहाँ बहुत टेस्टी चाउमीन बनता है इन आंटी के पास। यहाँ देखो कह तरह है मेरा फोन, दिख रही हूँ क्या, बंद कर इसको, डिलीट बंद कर इसको, डिलीट। तो ये दो बहुत ही ज़्यादा भूखे इंसान, खड़े इंसान, इन दोनों के लिए अभी तक कुछ आया नहीं फिलहाल, तो मेरे लिए भी नहीं आया। इतनी खूबसूरत परी देखना दीदी, यार क्या शर्म आ रही है, मैं अच्छी नहीं आ रही हूँ। देखो गाइस मैं कितनी बुरी आ रही हूँ ना, फिर भी मैं तुम्हारे को अपना थोबड़ा दिखा रही हूँ। सॉरी मैं पूरा लेट गई, जल्दी करने को बोलो। अभी तक हमारे मोमो चाउमीन कुछ नहीं आया है, इंतजार कर रहे हैं और यहाँ गाने भी नहीं लगे हैं। आईफोन दिखाऊं तुम्हारे को, आईफोन यार वॉल पर ही नहीं दे रही देखने, ये इसी खुशी में हमारा सब कुछ आ चुका है, मेरा मतलब नहीं। देखो क्या ही टेस्टी है, तीन तीन मोमो मिलते हैं और रामपुर में मिलते हैं दो ही। देखो के बाद हमारा सामान, मेरा मतलब हमारा मोमो चाउमीन फुप्पा आ चुका है। देखो ये क्या कर रही हूँ यार, मैं नेपाली हिंदी थोड़ी आता है, हिंदी थोड़ी होता है, एक दूरी बोल दे तुमको पानी दे, अभी उठा दिया था मुझे, मत दिखाया कर तू, मुझे बहुत गुस्सा आता है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ठीक है गाइस, अब मिलते हैं थोड़ी देर बाद। इतने में मैं, या क्या हो रहा है, फोन गिर गया था, खा लेती हूँ
दिख रही नहीं हूँ यार। A few moments later. यहाँ पर सेब का सीजन लगा है और ये सेब की सेब भर के ले जा रहे हैं। कहाँ जाना? और इतनी तो यहाँ के पीछे कितना सुंदर दिख रहा है, मतलब विराट मंडी बराबर हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मेरी शक्ल देखो कितनी खराब नजर आ रही है, घर को गाड़ियाँ नहीं मिली अभी तक। हाँ जी, ओ इसी खुशी में हमारे लिए गाड़ी मिल गई, तो दिखाती हूँ मैं आपको गाड़ी जिसमें हम जा रहे हैं। हम इस गाड़ी में जाने वाले हैं, शुक्र करके गाड़ी मिल गई। अगर आपको साथ में आना है ना तो टाइम से आना, नहीं तो आप हमारी तरह खड़े होंगे क्योंकि यहाँ से ऊपर जाने के लिए गाड़ी नहीं मिलती। अरे वो अंदर यहाँ को गाड़ी मिल गई थी और हम अब गाड़ी में बैठे हैं। यहाँ पर है गाइस, बहुत कच्चा रोड है और इतने झटके लग रहे हैं ना मेरे को। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने। और बताया आपको मेरा फिर ना है, मुझे से मिलने दे। मेरी कोई इज्जत नहीं है, देखो मेरी कोई इज्जत नहीं है, कृपया करके आप लोग तो मेरी इज्जत करना। गाइस अभी मेरी इज्जत है, ये रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं सुके सुके अभी मेरी इज्जत है। बताया आपको मेरा सिर इतनी जोर से बजाना कहाँ? गाड़ी के अंदर और इसके पूरी अंदर की जितने भी सिस्टम होते हैं ना सारे मिक्स हो गए। इसकी आंतड़ियाँ सारी गोल गोल हुई है, ये ऐसे हो रही थी। गाइस आपको जब भी आप साथ नहीं आएंगे तो मैं दिखा रही हूँ आपको शॉप, और ये शॉप में ये होते हैं नहीं मैं नहीं लाला जी हमारे लाला जी गोभी गाभी सब कुछ मस्त रखे इसमें। यहाँ देखो ये मारे ये गाइस जिनको इतनी हंसी आ रही है ना मेरे को भी मोटी वाली हंसी आ रही है। मोटी वाली हंसी बहुत ठंड है कुछ भी मतलब गब्बे चली क्योंकि ये सालों के बाद मिल रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं घर की ओर, तो बहुत अंधेरा हो चुका है, आपको मैं दिख रही भी नहीं होंगी। तो मैं अभी हम रास्ते में थोड़ा ऊपर जैसे है ना मामू के घर, गाइस यहाँ पर श्री नाथ जी का मंदिर है, तो हम यहाँ पर आपको कल से ले जाएंगे। और एक बात बताऊँ मैं आप लोगों को, यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है। यहाँ देखो यहाँ ऊपर मंदिर, बहुत बहुत ही ज़्यादा रात हो गई, हम बहुत लेट हुए आज क्योंकि हम रामपुर से लेट चले थे, इसलिए फिर हमें नीचे से गाड़ियाँ नहीं मिल रही थी, इसलिए फिर कुछ ज़्यादा ही रात हो गई। गाइस
यहाँ बहुत ही ज्यादा ठंड है, क्या ही बताऊँ, हमारे रोंगटे खड़े हो चुके हैं। चलो ठीक है, और बहुत ज्यादा थक गए हम, फिर हमें क्योंकि और दिख रहा होगा आपको मेरी शक्ल ही नहीं दिख रही होगी क्योंकि मेरा फोन बहुत खराब है। बहुत ठंड है, ठंड ठंड ठंड। ठीक है फिर मिलते हैं घर में क्योंकि बहुत चढ़ाई और मेरे से चला नहीं जा रहा और सांस फूल रहा है और यहाँ से ऊपर अंधेरा है। देखो मैं दिखाती हूँ आपको, ये पीछे गली में बिल्कुल अंधेरा है, इसलिए अब हम आपको सीधा मिलेंगे घर पे। तब तक के लिए बाय गाइस। हम पहुंच चुके हैं घर, यहाँ ऊपर है घर और मेरी बहन बोल रही है कि चुपचाप से चलते रहे और ब्लॉग ना बना के, और बिल्कुल अंधेरा, देखो मुझे कुछ दिख रहा नहीं है, टॉर्च ये दोनों लगा के। और फाइनली हम इतनी मेहनत से पहुंचे हैं, ऊपर से पहले बस नहीं मिल रही थी, फिर बस करछम पहुंचे, उसके बाद गाड़ी नहीं मिल रही थी, सोचो हमारे कितने दुख थे आज। ठीक है दोस्तों, माय बाय बाय माय, क्या बोलती हूँ यार मैं, कुछ भी बोल देती हूँ बीच में। यहाँ पर घर पहुँच चुके हैं हम, तो अब मैं बाद में दिखाऊंगी। 1:37 late. इसलिए हम वीडियो का एंड यही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। अगर आप मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। इसलिए अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।